जनरली ये बॉटल पानी पीने के बाद सीधा डस्टबिन में ही जाती है, बट आज हम इसे करने वाले हैं रीयूज। ये आइडिया आपने चाट पकोड़े बेचने वाले भैया की ठेली पर देखा ही होगा। इस बॉटल का बहुत ही अच्छे से यूज कर लेते हैं वो। आप चाहें तो फॉर्क को हल्का सा गैस पे गरम कर लीजिए और तब बहुत ही इजीली इसमें होल हो जाएंगे। नाउ इट्स परफेक्ट फॉर मी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे स्क्वीज करके ना आप कम या ज़्यादा पानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब अक्सर जब भी मुझे ना किचन में बहुत जल्दी में कुछ चीज़ शूट करनी होती थी तो इस कैमरे की मैं लीड निकाल तो देती थी, बट इतना टाइम नहीं होता कि उसे मैं रोल करके जगह पे रख दूँ, तो इस तरह से ये नीचे गिर जाती है। और इस छोटे से लिट का कमाल देखिए, मेरी प्रॉब्लम को ना इसने मिनटों में ना सेकंडों में हल कर दिया। अब ना तो मेरी लिट बार बार नीचे गिरती है, इवन मिस भी नहीं होती, बिल्कुल यहीं पर लगी रहती है। और जब भी मैं अपना कंप्यूटर पे कोई भी एडिटिंग करती हूँ ना, तो मेरी चार्जिंग या फिर वीडियो अपलोडिंग ना बस चुटकियों में हो जाती है। और अगर आपको ना ये लीड साइड में अच्छी ना लगे और आप इसे छुपाना चाहते हैं, तो आप इसे टेबल के बैक साइड में भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके लिए ना आपको अपनी वायर को आगे से पीछे की तरफ लाना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी गंदी नहीं लगेगी, फ्रंट में लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगेगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लीड ना यहाँ पर लगी हुई है। इसे बनाना बच्चों का खेल, बस दो छोटे छोटे से कट लगाने हैं और बैक साइड में लगानी है ये डबल साइडेड टेप और आपका काम हो गया। एक छोटी सी टिप यहाँ पर देना चाहूंगी कि अगर आपकी वायर पतली है तो उसके अकॉर्डिंग कट लगाइएगा और मोटी है तो थोड़े से मोटे कट लगाइएगा, क्योंकि ना वायर आपके इन कट्स में ना बिल्कुल टाइटली फिक्स होनी चाहिए, अगर लूज होगी तो वायर आपकी निकल निकल कर गिरने लगेगी। अब हम इस तरह के किसी बॉक्स में ना क्लचर रखते हैं या फिर किसी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में क्लचर रखते हैं, छोटे बड़े सब मिक्स हो जाते हैं, है ना। पहली बात तो छोटा सा क्लचर की ज़रूरत हो, वो बड़े क्लचर में मिक्स हो करके ना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सबको अलग अलग रखो ना तो बहुत स्पेस घेरते हैं ये। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कमांड हुक। इनके बैक साइड का एडहेसिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इन पर स्पेशली मेंशन होता है कि आप इस पर कितना केजी वेट हैंग कर सकते हैं। अब घर में पड़ी हुई बच्चे की ना कोई भी पुरानी बेल्ट ले लीजिए और इस कमांड उन पर हैंग कर दीजिए। और अब देखिए इस पुरानी सी बेल्ट का कमाल, जितने भी क्लेचर्स हैं आपके डेली में यूज होने वाले ना, उन्हें सबको यहाँ पर हैंग कर दीजिए। आप चाहे तो इस पर बच्चों की टिक टेक या फिर अपने इयररिंग्स भी हैंग कर सकते हैं, इट्स ऑन अप टू यू। आप आफ्टर ऑल आज वीडियो को शूट करने के बीच में ही ना दोनों ही प्रोडक्ट आ गए, तो सोचा इनका भी रिव्यू आपके साथ में इसी वीडियो में कर दूं। देखकर पता चल ही गया होगा क्या है ये फिमोरा कंपनी के किचन जार्स। दो ये अलग अलग डिजाइन्स में मैंने मंगाए हैं। अब ये दो अलग अलग डिजाइन्स में क्यों मंगाए हैं इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी बाद में। इनकी फिनिशिंग नो डाउट सुपर्ब है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, देखने में भी बहुत ही प्रिटी लगते हैं, क्लासिक लुक देंगे आपकी किचन को ये। अब देखिए इसका लिड जो है बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल एयर टाइट है ये। इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इसके लिड के ऊपर ना इनका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, अगर आपको इसके लिड में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखने में आपको ये लगेगा स्टील की फिनिशिंग में, बट एक्चुअल में है ये कांच का जार और ऊपर से इसके की गई है स्टील की प्लेटिंग, जो कि इसके लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देती है। और साथ में इसमें दी ही है बॉटम में विंडो, और इस वाले पैटर्न में आपको विंडो जो मिलेगी वो मिलेगी आपको फ्रंट में विंडो। अब इस तरह की जार्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट, स्नैक आइटम या फिर कोई भी ग्रोसरी आइटम बहुत ही अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेंगे, आपकी किचन को एक बहुत ही अच्छा सा लुक देंगे।
आप अपनी चॉइस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को भी मंगा सकते हैं। मैंने ये दो डिफरेंट टाइप के क्यों मंगाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी कि जो भी अच्छा लगेगा या जिससे भी मैं फुली सेटिस्फाई होंगी फिर उसी का ही पेयर मैं मंगवा लूंगी। अगर आपको इन्हें फ्रंट में रखना है अपने किसी कबर्ड में या फिर अपने किचन के काउंटर टॉप पर, तो आप इस तरह के डिजाइन को प्रिफर कर सकते हैं। बट अगर आपको इसे बैक साइड में रखना है और इसके आगे फ्रंट में कोई और कंटेनर रखना है, तो आप बॉटम वाली विंडो को प्रिफर ना करके फ्रंट वाली विंडो को प्रिफर करिएगा, जिससे कि अगर आप इसे बैक साइड में रखें तो आपको इस विंडो से ना इजीली अपना प्रोडक्ट विजिबल हो। बट अगर आप इसे बैक साइड में रख देंगे तो आपको ना प्रोडक्ट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको बैक साइड में रखना है तो आप फ्रंट विंडो प्रिफर करिए, और आपको अगर फ्रंट में रखना है तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। दोनों ही जार्स लुक वाइज बहुत ही ज्यादा प्रिटी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको की रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी चॉइस क्या है। कांच के कंटेनर होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट तो इसके अंदर सेफ होते ही हैं और देखने में भी ना बहुत ही ज्यादा क्लासिक और प्रिटी लगते हैं। और हाँ, इनकी कैपेसिटी है 1000 लीटर की। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनसे कम कैपेसिटी या फिर ज्यादा कैपेसिटी का भी मंगा सकते हैं। मेरा कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि मुझे क्या मंगाना है, इसका और इसका। मैं एक एक कंटेनर और मंगाने वाली हूँ सेम साइज का। आप लोगों को जल्दी ही ये मेरे किचन में देखने को मिलेगा। इस तरह का चॉकलेट बॉक्स हम सभी के घरों में मिल जाता है और इसे हम जनरली यूज़ करके फेंक देते हैं। बट देखिए आज मैं इसका कितना अच्छे तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। बच्चों के कपड़े धोने में ना कई बार होता है ना, बटन टूट जाते हैं, तो उन्हें इधर उधर रखने की बजाय इसमें मैं रख देती हूँ और जब टाइम मिलता है तब इन्हें लगा देती हूँ। कहीं गुम नहीं होते, बहुत ही ईजीली मुझे मिल भी जाते हैं। कुछ छोटे छोटे से सेफ्टी पिन्स जो कि बहुत ही जल्दी में मुझे चाहिए होते हैं। कभी कभी वान्या को काजल लगाने के लिए ना मैं घर का बना हुआ काजल यूज़ करती हूँ, जो कि मेरी मम्मी ने बना करके दिया था, और इस डिब्बी को रखती हूँ मैं यहीं पर। अर्ली मॉर्निंग जल्दी में अगर मुझे वान्या की स्कूल जाने से पहले चोटी बनानी है तो उसकी रबड़ भी मैं 2-4 यहीं पर निकाल करके रखती हूँ, कोई अलग से मुझे डब्बी खोलनी नहीं पड़ती। अगर आपको जल्दी में कभी रिंग या फिर इयररिंग चेंज करने हैं ना और आप भूल जाते हैं कि कहाँ रख करके भूल गए, आप सामने ही रख दीजिए, आपको बिल्कुल विजिबल होंगे, आपकी कोई भी चीज़ गुम नहीं होगी, और जब आपको टाइम मिले उनको उनके राइट प्लेस पर रख दीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरी है मेरे लिए, अपनी टू डू लिस्ट या जो भी मुझे अपने कामों को करना होता है सारा इसी डायरी में मैं करती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका ना कवर बच्चों ने ख़राब कर दिया, और इसे अंदर किसी कबर्ड में रखना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि दिन में बहुत बार मेरे हाथ में आती है ये। जब ये डायरी मेरे लिए इतनी हेल्पफुल है तो मेरी भी इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे खूबसूरत तरीके से सजा करके रखने की। मैं कवर कर रही हूँ इसे इस जूट कवर से जो कि मेरे पास में पहले से ही रखा हुआ था। आपके पास में ये नहीं है तो आप इसे किसी भी पुराने कपड़े से जो भी सुंदर सा दिखता हो, या फिर जींस से जो भी अनयूज्ड जींस हो उससे आप कवर कर दीजिए ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। इसमें पहले ना मैंने इसे एक साइड से स्टेपलर लगाया जिससे कि ये रुक जाए। कवर को ना एक साइड से फिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बार बार हिलता रहेगा और आपको ना कवर रिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक साइड से जब फिक्स कर देंगे तो आप फिर इस बुक पर ना ग्लू लगा लीजिए और इसको अच्छे से इसके ऊपर चिपका दीजिए। कवरिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी क्लोथ से या फिर इस जूट कवर से रैप कर रहे हैं इसको, तो आपको ना इसे टाइटली स्ट्रेच करना है। अगर आप टाइटली स्ट्रेच करेंगे तभी ना इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कपड़ा या फिर इस तरह का जूट क्लोथ ना बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाता है। एक तरफ से अच्छे से पेस्ट होने के बाद बस दूसरी तरफ भी ग्लू लगाइए, अब स्टेपलर की कोई नीड नहीं है आपको।
सेम उसी मेथड को फॉलो करना है जैसे हम बच्चों की ना बुक पे कवर चढ़ाते हैं। मेथड सेम वही है जिस तरह से हम बुक को कवर करते हैं किसी भी पेपर से, बट यहाँ पर हम पेपर की बजाय यूज़ कर रहे हैं क्लोथ, तो थोड़ा सा हमें यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पेपर बहुत ही इजीली रुक जाता है जब हम उस पर कवरिंग करते हैं, बट क्लोथ को आपको रोकने के लिए स्टेपलर की या किसी टेप की हेल्प लेनी होगी और ग्लू की हेल्प से उसे प्रॉपरली फिक्स करना होगा। इसके फ्रंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये जूट रोप, और इसकी हेल्प से मैं बनाऊँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर। यहाँ पर आप अपने नीड और चॉइस के अकॉर्डिंग ना कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आपको फ्रंट से ना इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। इस फ्लावर को टाइप करने के लिए मैंने यहाँ पर थ्रेड का और साथ ही में ग्लू दोनों का ही यूज़ किया है। थ्रेड का यूज़ अगर करेंगे तो ये बहुत ही इजीली ना अनस्टिच नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वानिया ने लगा दिया है इसमें एक बहुत ही प्यारा सा बटन। अब ये बुक जहाँ भी रखी होगी ना तो वहाँ पर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बना ही देगी। इवन टेबल पर मेरी बुक जनरली छूट ही जाती है तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। फिर मिलूँगी इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।